परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर प्रभु अल्लाह कबीर गॉड कबीर अपने सतलोक को त्याग कर अपने सत्यलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, क्योंकि उस परम पिता की प्यारी आत्माएं इस काल के जाल में फंसकर कष्ट उठा रही हैं। अपने माता पिता को ही अपनी संतान का दुख होता है, उसी को विशेष चिंता होती है। ठीक है, कोई निकटतम संबंधी होते हैं उनको भी दुख होता है, परंतु जो माता पिता को दुख होता है वो अन्य को नहीं हो सकता। जो चिंता किसी का बालक बिगड़ जाता है, किसी का बालक शरारती हो जाता है या किसी कुसंगत में फंसकर है, वो शराबी कवाबी बन जाता है, चोर लुटेरा बन जाता है, तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। उनका भरसक प्रयत्न रहता है किसी प्रकार भी मेरा बालक फिर से सुधर जाए और वापस आ जाए, अपना नेक नीति से रहे, तो वो अंतिम श्वास तक अपने पुत्र या पुत्री की यही चिंता बनाए रखता है कि परमात्मा किसी भी तरीके से ये बालक फिर से मेरे पास आ जावे। पुण्यात्माओं, हम कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। हम पूरे जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, पूरी पृथ्वी अनंत, ये सभी ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं, ये सभी हम एक परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं और वही हमारे लिए भटक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं इस काल भगवान ने ऐसा अंधा बना दिया इस आत्मा को, ये मुझे नहीं पहचान पा रही। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं कि गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठू पाताल, कहे कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। प्यारी आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी
हमसे भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनकी उसके बच्चे इस काल के जाल में फंस गए। कोई गधा बना है, कोई गधी बनी है, किसी को कैंसर हुआ है, किसी की टांग कटी है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है। एक पल भी ये जीव सुख से सांस नहीं ले रहा। और परमात्मा कहते हैं परमात्मा आकर बताते हैं कि जिस सुख को तू सुख मान रहा है, ये भोले प्राणी, ये सुख नहीं है। किसी के पास संतान है, जिसके पास संतान नहीं है वो नो सोचा है कि संतान वाला बहुत सुखी, भगवान मुझे भी एक संतान दे दे। और जिसके पास संतान है तो उसके पास धन नहीं है तो यूं सोचा है परमात्मा धनवान सुखी, मेरे पास कुछ संपत्ति हो जाए तो मेरा भी ठीक काम चल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। पुण्यात्मा जिसके पास ये माया है उसकी स्थिति से आप परिचित हो जाइए। कभी कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, उसके अंदर गहराई से जाइए। उसको सपने में भी सुख नहीं है जिसके पास संपत्ति और माया है। या तो कोई घर में बीमारी, या कोई फैक्ट्री या कंपनी में कोई ऐसा सिरदर्द पैदा रहेगा, रात में भी टेबलेट लेकर सोना पड़ेगा उसको नींद की। और अन्य प्राणियों को जो गरीब, जो दारिद्र हैं, जिनके पास धन नहीं है, उसको वो कति बहुत सुखी नजर आता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कार के अंदर चल रहा है, हेलीकॉप्टरों में चलता है। अब सेठ ये सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, क्योंकि जो अच्छे सेठ हैं, बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, फिर वो राजनीति में हिस्सा लेते हैं इसी दृष्टिकोण से कि ये राजनेता और ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बड़े सुखी होंगे, ये सुखी हैं। यदि उसको उस संपत्ति और धन में सुख होता तो आगे कदम उठाने की जरूरत नहीं थी उसको। और मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये महादुखी होते हैं, इनको सुख नाम की चीज नहीं है। परमात्मा यही बताना चाहते हैं। अब जैसे एक परिवार का छोटा सा मुखिया, छोटे से परिवार का मुखिया यानी पिता, 5-7 या जितने भी 4 सदस्य घर के होते हैं, उन्हीं की व्यवस्था करने में वो कितना परेशान रहता है। किसी का कोई बीमार हो गया, किसी की शादी आएगी, किसी का छूटछत, किसी का दूसर है, को मकान बनाना है, किसी का देना है, किसी का लेना है, तो वे छोटे से परिवार का प्रधान, स्वामी, पिता, वो सुखी नहीं। और राजा तो एक बड़े क्षेत्र का पिता हो जाता है, उसकी तो बहुत बड़ी प्रजा, पिता, पति, संतान रूप होती है, तो वो स्वप्न में भी सुखी नहीं है। हाँ ठीक है, उसके सामने कर्मचारी अधिकारी सलूट मारते दिखे, जब चल आगे पाछे कई काफला गाड़ियों का चलता दिखे, तो हमने ऐसा लगा है कि ये बहुत राजा बहुत सुखी। राजा स्वप्न में भी सुखी नहीं है, क्योंकि ये लोक सुख का नहीं है या सुख नाम की चीज नहीं है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कह ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, कति झूठा सुख। आज मान ले आपके किसी के पास कार है, कोठी है, कोई फैक्ट्री लगा रखी है, हेलीकॉप्टर में चलता है, और कभी भी किसी भी कारण से श्रीरंत हो सकता है, किसी भी कारण से देहांत हो जाता है, पहले तो उस जीवन में कति सुख नहीं, स्वप्न भी सुख नहीं संसार में। पुण्यात्माओं,
इस दास ने परमात्मा की महिमा ये वाणी सुनी और फिर इस परमात्मा की वाणी से इस संसार को तोला, तो उसी दिन से हरदम या बात पक्की जो ना दृढ़ता के साथ समागी कि यहां कोई जीवन नहीं है जीव का। आज राजा है, एकदम मृत्यु हो जाती है, फिर 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर और तेरा गजब हो, बता के सुख हुआ। मान लीजिए 10 वर्ष राजा रह गया और खूब बकवाद गढ़ ली और फिर मृत्यु के पास गधा बन गया, बताओ राज वाला सुख तो 10 वर्ष का और गधे का दुख मेरे ख्याल में 20 वर्ष का, वो तेरा गजब हो। उसके बाद एक गधे के मान ले कजी उनमें पीछा छूट जा तो भी देखी जा, ना जाने लगातार 10 जन्म गधे के हो जाए, फिर कुत्ते के हो जाए, फिर सुअर के, क्योंकि फिर तो एक डाउनवर्ड स्टैंड बन जाता है इसका। इसलिए परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि यहां कोई भी सुखी नहीं है। इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद है। जैसे आप कल के सत्संग में सुना था आपने, परमात्मा कहते हैं कि ये काल जो है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है और 1.25 लाख जीव मनुष्य उत्पन्न करता है। क्योंकि इसको श्राप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाने का, उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी को एक एक विभाग दे रखा है। ब्रह्मा जी शरीर जीवों के शरीर पर उत्पन्न करने की प्रेरणा करता है, अर्थात उसके अंदर रजोगुण है, उस रजोगुण से प्रभावित होकर के प्राणी संतान उत्पत्ति करता है, जीव के बस की बात नहीं है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अपने लोक में रहते हैं, इनकी राजधानी है ऊपर के लोकों में, और उनका जो उनके गुणों का जो प्रभाव है, उनकी जो रेंज है, उनकी अक्षमता जो है, उसका प्रभाव जो है, उसकी रेंज इन तीनों लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में है। जीव के बस की बात नहीं है कि वो इन गुणों से प्रभावित ना हो। जब तक परमात्मा के इस सत्संग तत्व ज्ञान रूपी वचनों का एंटीबायोटिक ये कोरस उपचार ना हो और परमात्मा की सत्य भक्ति जब तक जीव नहीं करेगा, तब तक ये प्रभाव निष्क्रिय नहीं हो सकता। तो जैसे कमरे में मकान में 3 कमरे हों, 4 हों और रसोई में छोंक लगा दिया मिर्चों का सब्जी में और उसकी महक हवा के झोंके से उन पूरे परिवार में फैल जाती है, ना पूरे घर में फैल जाती है और जहां भी जो प्राणी बैठा है घर का सदस्य वो उसको छींक आनी शुरू हो जाती है। अब उसके बस की बात नहीं वो छींकों को रोक सके। इसी प्रकार इस काल भगवान ने अपने तीनों पुत्रों में एक एक गुण भर दिया, रजगुण ब्रह्मा बना दिया, सतगुण विष्णु बना दिया और तमगुण शिव जी को। इन तीनों की रेंज, इन तीनों का जो प्रभाव है और उनका जो अक्षमता है, उनकी रेंज है, इन तीनों लोकों में अपना पूरा काम कर रही है, जिसके प्रभाव से प्राणी संतान उत्पत्ति करता है। हर प्रत्येक प्राणी, चींटी है चाहे हाथी है, मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, ये उस रजोगुण के प्रभाव से और फिर रजोगुण के प्रभाव से यहां की संपत्ति आदि को संग्रह करने में लग जाता है। उसके बाद सतीथी जो है वो भगवान विष्णु का गुण है, सतोगुण, उसे सतीथी बनी रहती है। जैसे आपस में प्यार मोह ममता, संपत्ति में मोह,
पति पत्नी का मोह, पुत्र अपनी संतान में मोह, माता पिता में मोह, मित्रों के अंदर लगाओ। तो ये जो आप यहां रोके रखने के लिए, यहां से मन ना हट जा, ये यहां से भागने की चेष्टा ना करे, इस करके यह सतीथि बनाने का गुण सतो गुण है जो भगवान विष्णु के अंदर काल ने स्थापित कर रखे है। अर्थात विष्णु जी जो है सतगुण युक्त बना रखे हैं। और तीसरा गुण तमोगुण है, ये आपने पता ही है। तमोगुण में आकर इंसान ना जाने के जुलम कर डाला, कितने प्यारे मित्र का लठ मार दी थोड़ी सी बात पे। तो ये संहार करने की जो संहार करने की जो शक्ति यानी गुण है, ये भगवान शंकर में वृद्धि, तीनों से ये अपना काम चला रहा है, अपना आहार बनवा रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ तो आज खा लिए 1,00,000 और जो शेष बचे हैं वो गोदी में हैं, गोदी का मीन है, उनको पाल पोस रहा है और फिर समय आने पर उनको खा लेगा। परमात्मा कहते हैं हमने केवल सुख यहां ऐसा मान रखा है जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उसके 2 मर गए। एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उसका 1 पुत्र मर गया, उसकी 1 की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति का 1 ही पुत्र था, उस 1 की ही मृत्यु हो गई। अब जिसके 3 पुत्र थे और 2 की मृत्यु हो गई, उसको किसी ने समझाया जैसे किसी के यहां मृत्यु हो जाती है, बहुत से कुल के लोग मित्र रिलेटिव आकर के उसको सांत्वना देते हैं, तो वहां बातें चलती हैं, कहते हैं भाई ये तो आप देखो आपके तो दो एक तो बच गया, 2 लड़के मर गए, उस अमुक व्यक्ति का 1 ही बेटा था और 20-22 वर्ष का होकर के वो मर गया, भाई यहां तो 1 से 1 दुखी है। तो जिसके 2 बेटे मर गए थे, मृत्यु हो गई थी 2 बेटों की, 1 शेष था, उसने अपने दुख को हल्का कर लिया कि चोखा है भगवान, मेरा तो मेरे तो 1 तो बच गया, उस बेचारे का 1 भी नहीं बचा, यानी उसको उसके दुख से तुलना कर नहीं, बेटा यानी अपना जो सात पित्र, बेटी है या बेटा, पति है या पत्नी, जिसके साथ हम रहते हैं, दुख तो बहुत घना है, टक्कर मार कर रोना पड़ता है, तो वो सुख मान लिया उस दुख को ही। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें जो बताना चाहता है, परमात्मा जहां हमारी बुद्धि को उठा करके सेट करना चाहता है वहां करें पार पड़ेगी, ये बातें बड़ा काम नहीं चला। क्योंकि आप पहले जो प्रथम बार भक्त आते हैं, किसी का कोई रोग है, किसी का कोई संतान नहीं संतान है, किसी के कोई धनवान नहीं है, निर्धन है, वो चाहता है मैं सुखी हो जाऊं, मेरा ऐसे हो जाए मैं जो है अपना गुजारा कर सकूं। पुण्यात्माओं, परमात्मा सबसे पहले तो आपको जो आपके ऊपर आपत्ति है उसका निवारण करेगा, वो अपने कोटे से करेगा प्रथम, जो कि आपका सुख नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, आपके प्रारब्ध में वो सुख नहीं है, जिसकी वो वस्तु नहीं है जिसकी आपको अभाव है। तो पहले तो भगवान आपको वो वस्तु देगा, जैसे धन नहीं है तो आपको इसी बरकत करनी शुरू कर देगा, जो सच्चित मंत्र लग गया आपकी आत्मा खुश हो जाएगी और ऐसे सुख देगा कि आप सोच नहीं सकते, आप जो है ना गदगद हो जाओगे, ओहो ऐसा हो गया। तो फिर आपकी आस्था बनेगी, आपकी उमंग बनेगी, अक्सर सत्संग में चलेंगे, आप 100 काम छोड़कर भी यहां आओगे,
क्यों आओगे? क्योंकि आप वहां घर पर सारा दिन कीचड़ बने रहा करते, धंधा भी करते रहते हैं और लूट खसोट भी कर लेते, मन में खोट भी रखते थे, तो भी बरकत ना हुई। और अब परमात्मा के चरणों में आने से, क्योंकि यहां आने से फिर आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। सत्संग में आने से, संत के दर्शन करने से, जहां से आप चले हो यहां तक आने का, परमात्मा ने कहा एक कदम का फल कितना है, एक यज्ञ के तुल्य है। राजा लोग यज्ञ करा करते थे, करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च हो जाते थे एक यज्ञ में, एक समय के अनुष्ठान में। और परमात्मा ने कितनी आसान यज्ञ बता दी कि संत मिलन को चा लिए तजमाया अभिमान। और जो जो कदम आगे रखे है सो सो यज्ञ समान। देखो केवल यहां आने मात्र से लाभ नहीं है, यहां केवल आने मात्र से लाभ नहीं है, इसमें और भी एक वचन कहा प्रभु ने, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और फिर जो यहां आएगा माया को अपने किसी भी प्रकार का जो आपके अंदर घमंड है अभिमान है उसको त्याग दे। और फिर यहां आओ एक बालक बनके, जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है, चाहे प्रधानमंत्री का हो, वहां वो स्टूडेंट ही होता है और वो अपने आप को विद्यार्थी ही मानता है, तभी वो पढ़ सकता है। यदि वहां प्रधानमंत्री का बेटा मान का हुआ और वहां उन पर डांट मारे, टीचरों ने भी धमका हुआ, तो पढ़ नहीं सकता, वो फेल होगा और उसकी दुर्गति हो जाएगी। ऐसे ही आप जी, जैसे डॉक्टर किसी को भयंकर रोग हो गया और चाहे वो कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा अधिकारी है, उसको डॉक्टर कह देते हैं, जैसे पहले वो प्राइवेट अपने पर्सनल डॉक्टरों से ट्रीटमेंट कराता है, वो फिर रेफर कर देते हैं कि आप वहां जाइए, वहां टेस्ट कराइए, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसका अर्थ वो समझ जाता है कि तेरी बात बिगड़ ली। और वो डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि वहां जाइए, क्योंकि वो भी डॉक्टर एमबीबीएस हैं, अच्छे हैं, जो पहले सब ट्रीटमेंट उसका कर रहे थे, उसको लाभ हो रहा था, अब वो मना कर रहे हैं, तो वो भी समझ जाता है कि बात बिगड़ चुकी है। फिर वो उस बड़े हॉस्पिटल में जाता है, वहां डॉक्टर लोगों की नजर जो है ना, हर क्रिया पर उसकी नजर रहती है, डॉक्टर लोग उसकी हर क्रिया को चेक करके देखते हैं, शरीर के बॉडी के अंग को, फिर आपस में बातें करते हैं, उसका नजर रहती है कि ये क्या बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जाइए आप ये टेस्ट कराइए, उठ के चल पड़ता है। उस समय ये नहीं सोचता कि मैं कितना बड़ा सेठ हूं या मैं बड़ा अधिकारी हूं, उस समय वो अपने आप को एक रोगी समझता है और उसको अपनी मृत्यु स्पष्ट दिखाई देती है। तो उसको जहां लेटने को कहा जाता है वो तुरंत लेट जाता है, जो भी वस्त्र निकालने को कहा जाता है वो निकाल देता है, उसमें उसमें कोई नखरा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जब आप सत्संग में आते हो, आपके अंदर किसी प्रकार का भी नखरा नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसे हॉस्पिटल में आए हो कि आपके जन्म मरण का रोग जो दीर्घ रोग है ये कटेगा, और आपके अन्य जो साधारण रोग हैं, संतान और संपत्ति और शारीरिक कष्ट, आध्यात्मिक कोई क्रियाएं जो के कारण जो दुखी है, तीन ताप, ये भी आपके साथ में कटेंगे। एक और होता है, ध्यान रखना इन बातों को जो दास आपको बता रहा है, ये 2G पॉइंट बातें हैं परमात्मा की प्राप्ति में, ये आपके बिल्कुल 100% सहयोगी हैं। और एक भी नियम का पालन नहीं करोगे उतनी कमजोरी आप पर रह जाएगी। जैसे आपने उपदेश प्राप्त कर लिया, उपदेश प्राप्त कर लिया, तो फिर परमात्मा, उपदेश का अर्थ हो गया कि आपने इस हॉस्पिटल में अपना जो है प्रवेश पा लिया, आपको आपका आप एडमिट हो गए इसमें। अब डॉक्टर ने देखना आपके रोग को किस प्रकार से सेट करना है, यदि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ऑपरेशन करेगा, यदि वैसे कोई इंजेक्शन या टेबलेट से काम चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे करेगा। यदि आपने रोग कटवाना है, यदि उस मरीज ने यानी बीमार ने
पेशेंट ने अपना रोग कटवाना है तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो चाहे कुछ भी इंजेक्शन दे रहा है, इंजेक्शन दे रहा कोई बात नहीं, ऑपरेशन के लिए कह रहा है ऑपरेशन के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसका और विकल्प नहीं रहा तब ऑपरेशन के लिए बोलता है। तो रोग कटवाना है तो फिर ऑपरेशन भी करवाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार पुण्यात्मा व परमात्मा के इस हॉस्पिटल में आगे अब जो भी परमात्मा जैसा भी ट्रीटमेंट आपको दे, आपको किसी प्रकार की भी कोई पीड़ा महसूस होती है, आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अब जैसे आप सत्संग में आए और आप आज ही उपदेश लिया, रास्ते में आपकी किसी कारण से या घर जाकर के आप किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गए और टांग टूट गई, आपको ये महसूस करना चाहिए कि जब परमात्मा का नाम ले लिया, ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अब ट्रीटमेंट शुरू हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही स्वस्थ हो जाओगे और आज ही सभी आपत्तियों से बच जाओगे। हाँ, इतना अवश्य होगा क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू हो गया, आपका उपचार शुरू हो चुका है, आपको और हानि नहीं होगी। और ऐसे टांग टूटी है तो समझो आपकी जान न जानी हो और टांग टूटने में बच गई, यानी क्योंकि आपका कोई ऐसा भयंकर क्रम था, जान लेवा हो, परमात्मा की शरण में आने से आपकी वो एक हल्की सी चोट में, छोटे से फ्रैक्चर में आपका आपकी जान बच गई। डॉक्टर लोग ऐसा ही करते हैं, जैसे किसी की जान जानी हो, उसका जैसे कैंसर शुरू होगी पैर में अंगूठे में, तो वो टांग काटेगा, चाहे घुटने मत काटनी पड़े, चाहे पिंडिया मत काटनी पड़े, और चाहे ऊपर जाकर जड़ते निकालनी पड़े, यदि वो जीवन चाहता है तो। ऐसे ही परमात्मा आपके, मान लीजिए आपने उपदेश ले लिया, और उपदेश लेते ही आप ये मत समझना कि हम भगत बन गए और हम सभी कुछ परमात्मा आज के बाद हमारा कांटा भी ना लगने दे, नहीं लगने देगा, कोशिश तो यही रहेगी प्रभु की, लेकिन हम उन सभी जो नियम है उन पर खरे नहीं उतर पाते प्रारंभ में, कोई न कोई मन में दोष खोट बना ही रहता है, अविश्वास भी रहता है। तो ऐसे इसके दौरान आपको कोई ऐसी घटना भी घट जाती है, वैसे तो नहीं घट सकती, गारंटीड बात है, लेकिन वो कोई अपनी त्रुटि, अपनी कोई कमजोरी या वीकनेस, किसी प्रकार का भी कोई फाउल पॉइंट हो जाने से हो जाता है, तो परमात्मा जो करता है उसको समझो कि डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट का बुरा नहीं सोच सकता। तो जो छोटी मोटी हानि है उसको सहन करना पड़ेगा, लाभ कितना होगा आप गिनती नहीं कर सकोगे। तो इसलिए ये पॉइंट आपको इसलिए बताए जाते हैं कि आप भूल जाते हो कुछ दिनों में, आपको परमात्मा ने 4-5 कंटिन्यू सुख दे दिए और लगातार 2 दुख भी आ गए किसी प्रकार के हल्के फुल्के। जब तक आप ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं होते तो आप डगमग हो जाओगे, आप परमात्मा के हॉस्पिटल से निकल जाओगे, फिर आपकी मौत होगी। जब ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है तो फिर, और ट्रीटमेंट बंद कर दिया था फिर तो मौत है। इसलिए परमात्मा के दरबार में आने के बाद आपको नो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। पहले ज्ञान समझो, ज्ञान समझकर फिर समाधान समझो कि हम क्या विधि बता रहे हैं, और फिर अन्य जैसे सदग्रंथ आपको यही दिखा दिए जाते हैं, आपको ये विश्वास हो जाएगा कि विश्व में न तो ये ज्ञान है और न ही ये भक्ति विधि और मोक्ष का समाधान है। जब आपको यहां आने पर भी और फिर भी कोई छोटी मोटी हानि होती है, फिर आप ज्ञान को आधार बनाइए, तब आप इस भगवान के मार्ग में, परमात्मा के इस ऑपरेशन थिएटर में निश्चल पड़े रहोगे, और निश्चल रहोगे तो आपका ऑपरेशन सफल हो जाएगा।
अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा आपको सतलोक ले जाना चाहता है, और सतलोक में क्या सुख है? पुणात्मा, जैसे हम किसी गांव में रह रहे हैं और हम किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, वहां का व्यक्ति हमें बताता है कि वहां ऐसी सुविधाएं हैं, वह ऐसा व्यापार है, ऐसी वहां पर कमाई है, तो हम चाहते हैं कि हम भी चले वहां पर। हम वहां की जो व्यवस्था है, वहां का जो हमारे को होने वाला लाभ है, उससे पूर्ण परिचित हो जाएंगे, तब हम अपने नगर को त्याग कर वहां की संपत्ति को बेचकर उस दूसरे शहर में जाएंगे जहां हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट लाभ होना हो। इसी प्रकार जब हम सतलोक के सुख के विषय में परिचित होंगे, तब ही हम इस काल के लोक को छोड़ेंगे। इसलिए बार बार आपको बताया जाता है कि यहां कोई सुख नाम की चीज नहीं है, तुम इसको सुख मानते हो। किसी का जिसका संतान नहीं है वो संतान से ही मानता है कि भगवान मेरे एक बालक हो जा, मैं भी सुखी हो जाऊं। जिनका संतान है उनने पूछ ले वो कैसे सुखी हैं। यहां आपको कम से कम 200 केस, 200 नहीं बल्कि 1000 ऐसे केस दिखा दूं जो कहे बेटा पीटे बने, बुढ़िया कहे वो तेरा गजब हुई है, मां का बेटा अठा दे उसको, तो एक राक्षस पैदा हो गया उसके। तो ऐसे बहुत घने दुखी हैं इस प्रकार से, लेकिन हम पूर्ण परमात्मा के सतलोक के सुख से अपरिचित हैं। अपुणात्माओं, परमात्मा ये चाहता है कि ये प्यारी आत्मा मुझे पहचाने और इन प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को मैं अपने घर ले जाऊं, वह इनको कोई दुख नहीं, क्योंकि हम पहले सतलोक रहा करते थे, वहां हमें कोई कष्ट नहीं था, वहां हमारी मृत्यु नहीं होती थी, वहां कोई रोग नहीं था। अब यहां पर चाहे को 90 वर्ष की आयु का बुढ़ा हो गया, बुढ़िया कति मरना नहीं चाहते, कोई मृत्यु नहीं मांगता, कति नहीं चाहता, चाहे कति कितना बीमार हो जा, कितना दुखी हो जाए, फिर भी जीवन मांगता है, जीवन चाहता है। वो ऊपरले मन तो लोग दिखावाते वैसे कह दिए भगवान मन उठा ले, पर जब मृत्यु का मृत्यु होने योग्य जब रोग आवे है, जब गिगी बन जाती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मरते नहीं थे, हमारी मृत्यु नहीं होती थी, इसलिए भी ये मृत्यु हमने ऑकवर्ड सी लगा है, बहुत बुंडिया तो, और इसमें कोई शक नहीं। आज हम संपत्ति है, संतान है, और दिन रात उसी के जोड़न तोड़न में लग रहे हैं, हर कल मृत्यु हो जाए, तो अपना है क्या? तो कोई भी यहां मृत्यु नीचा तर मरना पक्का, मरना पड़ेगा, 2 दिन आगे पास से मृत्यु होगी, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं कि हमने अमरते नहीं थे, ये भी अमृत्यु हमने बढ़िया कोई ना लगती। कितनी उम्र का आदमी हो जाए ने सोचा, और जैसे 90 वर्ष का हो गया तो इन्हों सोचा है, ये विचार करता है कि 100 वर्ष तक तो जीवन बना ही रहता है। अब कोई 100 वर्ष भी पूरे कर चुका है तो इन्हों सुना है कि पहले तो 150 वर्ष जी जाया करते थे, जीवित रहते थे, वो तेरा गजब हुई। और चाहे ऊपरले मन से इन्हों कहे जाए भगवान मन उठा ले, एक बुढ़िया बीमार होगी और वो प्रतिदिन नो करे भगवान की तो मर गया, मन ठावे भी कोई ना, हे मेरे नाम का तो भगवान और आवेगा, मन ठावेगा, मेरी मृत्यु होगी। एक पोता था शरारती सा, वो अपने दूसरे भाई ने कहने लगा आज दादी की परीक्षा लेते हैं, अब चुप करे अब मैं बताऊंगा। रात के समय अपना काला ऊपर काला तो मुंह कर लिया और नो दो बांध लिए सींग से लकड़ी के, को सींग ठा लिया कि तो बार ते निकम्मा, और ऊपर का नो ठा मार लिया, रात में एक लंबा
चमटा लठ ले लिया, नोबरा बुढ़िया बोले तार आज तेरी मौत आ गई है। बुढ़िया नो कहे ए मन 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 बख्श दे तन मैं पाई ठाण दे और देख ले को अगर मौत है वो तेरा गजब हो। तब सोरन मुंह खोल दिया और दूसरा भाई बुला लिया, देख दादी ड्रामा कर रही थी। फिर वाला गिलन रे ढेड़ तने फूक दू, मैं तू ये कह रही थी मैं ड्रूह मरण तय कर ले तुरंत गेर बदल गई बुढ़िया। तो पुण्यात्माओं यहां कोई मरना नहीं चाहता और मरना पक्का होगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं जहां हमारी मृत्यु नहीं हुआ करती, वहां हमारा अजर अमर शरीर होगा, अजर जिसमें बुढ़ापा नहीं आता। और मृत्यु और बुढ़ापा दोनों दीर्घ रोग। परमात्मा क्या बताते हैं? भाई तन दर सुखिया कोई ना देख्या, भाई तन दर सुखिया कोई ना देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया क्या गृहस्थी बैरागी हो, सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो, साच कहूं तो जग ना माने, ये झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और सब दुखिया, संत सुखी मन जीती हो, एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो,
सबका किया विवेका हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं तुम तो छोटे मोटे कोई एक मकान प्लाट न मांग कर सुख मानना, सुखी मानते हो अपने आप को कि हम सुखी हो जाएंगे कि नहीं। उदय और अस्त के बीच जिसका शासन था, जहां सूर्य उदय होता है और जहां समाप्त अस्त होता है, अर्थात पूरी पृथ्वी का शासन शासक, वो भी दुखी। आप तो एक छोटे से कोई फैक्ट्री फुकटी ला करके इस सब सुख मान रहे हो कि नहीं। एक दिन एक पेपर में, अखबार समाचार पत्र में एक न्यूज थी, समाचार था कि एक बहुत बड़ा सेठ था किसी हिंदुस्तान का, और फिर वो एक अच्छा राजनेता भी था। अपने ही हेलीकॉप्टर में चला जा रहा था, उसके साथ 5-7 और उसके सहयोगी कर्मचारी और उसके साथी थे। वो उस हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया, क्रश हो गया, और उसी में वो 8 के 8 मर गए। उस गांव में अब वो भूत बने हुए हैं, वो राजनेता जो बड़ा सेठ था फिर राजनेता भी बन गया, वो भूत बने हुए हैं। और वहीं पर उनका एक इतना वो गांव वालों के बहुत परेशान करने लगे, फिर ये भूत बात का डनिये बुलाए, उन्होंने बताया कि ये वो, फिर अंदर बढ़कर बोला दूसरे में मैं फलाना नेता हूं, मैं वैसे था वैसे, यहां एक्सीडेंट में मरे थे, हम 8 जने हैं, एक का माठू प्रवेश कर जाए। कहते हैं उनका फिर वहां एक स्थान बना रखा है, 8 के 8 इतनी वो बनागरिन के महल 5-5 ईंट ला के वो बनाए हुए हैं, वो दिखा रखे थे पेपर में और पूरा विवरण दिया हुआ था। तो परमात्मा कहते हैं उदय अस्त की बात करे मैंने सबका करा विवेक का, मैंने सबका दूध और पानी छाड़ रखे, यहां कोई सुखी नहीं है। फिर कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, घना धन हो जा तो दुखी। जैसे आपका 2 लाख का बेनिफिट हो गया, लाभ हो गया, धन आ गया, आप 5 लाख का कर्जा, 5 लाख का और पंगा पा लोगे कितने कितने, वो 3 लाख आपके ऊपर कर्जा हो गया। अब वो कर्जे वाला मांगना और आप घर के बच्चन को गए कह जाड़े कोई ना मेरा पापा बताइए सुख होया, तो रात की नींद दिन की चैन कति खत्म हो जाती है। और फिर वो काम चल लेना, फिर पाछे पाछे मांगने वाले, आगे आगे देने वाला है, पता नहीं कहां तक बात पहुंच जाए। पुण्यात्मा आपके काम भी जो आवश्यक होंगे, जो क्योंकि यदि आप चाहते हो मोक्ष तो इसमें प्रवेश पाइयो परमात्मा वाले, हम कबीर साहब वाले इस हॉस्पिटल में अर्थात इस विद्यालय में अगर आप शिक्षा ग्रहण कर, मतलब किसी तरह से अपने एग्जाम्पल को समझ लीजिए उदाहरण, तो आपको उतना ही, जैसे एक बीमार है और उसको शुगर की बीमारी है और वो मांगता है कि मैं लड्डू खाऊंगा बर्फी खाऊंगा, तो डॉक्टर अलाउड नहीं कर सकता, इतना मरना है और हॉस्पिटल छोड़कर जाना है, तो चाहे आग खा कुछ भी कर मर। तो इसी प्रकार जो यदि आपने ये रोग कटवाना है जन्म और मरण का, तो आप तो कुछ भी मांग सकते हो क्योंकि मरीज हो, लेकिन आपको जो वो हानि कर सकेगी वो वस्तु मालिक नहीं देगा। आपने यदि मोक्ष प्राप्ति के लिए यहां आना है, पहले तो ज्ञान समझो, ज्ञान समझकर फिर इसमें प्रवेश पाओ, और फिर यदि आपकी जो आवश्यक वस्तु है, नहीं तो डॉक्टर के आपको खिला करा दी कोई ना, वो कितने सोचे ताकतवर हो ये भी खावे या अच्छी तरह खावे है, लेकिन जो आपको हानि होगी वो वस्तु डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। तो परमात्मा आपको वो वस्तु देगा जो आपके हित में होगी, अहित में होगी आप कितनी डिमांड करिए मालिक नहीं देगा। और इस ज्ञान जो समझ गया, जो समझदार है उसको पता है तेरा शुगर है, तो आपका को नहीं मांगे, वो चीनी नहीं ग्रहण करेगा ना, औरों को बना करेगा अभी मेरी फिक्की चाय बनाना, और बालक कर सके मन दे लड्डू खाऊंगा बर्फी खाऊंगा नहीं, उसको माता पिता नहीं दे ना भाई मर जाएगा तू, पहले मुश्किल से जान बची हुई है। तो पुण्यात्मा ऐसे परमात्मा आपको वह वस्तु देगा जो आपके हित में होगी, अहित वाली को नहीं देगा।
क्या बताते हैं, घाटा है बाद सब जग दुखिया, घाटा हो गया हानि होगी तो वैसे नेचुरल दुखी, और बाद में भी यानी लाभ हो गया तो और दुखी, किधर गुटी लाने लग जाएगा या किसी के ला लठम लठा होकर उड़े मुकदमे कर बैठेगा, यानी उसको चैन कति नहीं। फिर कहते हैं सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। सुखदेव ऋषि को ज्ञान होया मां की गर्भ में, क्योंकि माता के गर्भ में प्राणी को अपने पिछले और आने वाले प्रारब्ध की पूरी जानकारी होती है। तो मां के पेट में ये प्राणी दिन रात यही प्रार्थना करता है, परमात्मा एक बार मुझे इस नरक से निकाल दे, ये प्रभु पीछे मैंने बहुत गलतियां की हैं, आगे नहीं करूंगा, पीछे ऐसी ऐसी गलतियां की कि मैं आपको भूल करके संपत्ति और संतान के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर गया और मेरे साथ कुछ नहीं चला, अब के प्रभु ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब जो ही वो मां के गर्भ से बाहर आता है, तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो त्रिगुणमयी माया है, इनका तीनों का जो जाल है, एकदम बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, इसको अचेत कर देता है, इसको फिर नए सिरे से पढ़ाया जाता है, ये तेरा पिता है, ये तेरा पापा या तेरी माँ भाई बहन, और फिर कह कह गड़ा, ये सारे एबीसी को नए सिरे से पढ़ाई जाती है, और फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान भी उसको नए सिरे से याद दिला जाता है। तो ऐसे ही सुखदेव को गर्भ माँ के गर्भ में ये याद था, इसलिए 12 वर्ष तक माँ के पेट से बाहर नहीं आया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा ने कहा कि तुम बाहर आओ भाई सुखदेव, ऐसे 12 वर्ष तक यदि माताएं बच्चों को गर्भ में रखेंगी तो हमारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, ये मां दुखी हो जाएंगे, तू बाहर आ जा। सुखदेव ने यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, बाहर आते ही आपके आप बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो, आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया को एक मिनट रोक लो, जब तक मैं बाहर आऊं, तो मैं बाहर आऊंगा नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तब उन्होंने थोड़ी सी देर के लिए जैसे भैंस के सींग पे या गाय के सींग पे, गाय के सींग ऐसे होते हैं अमूमन, तो उसके ऊपर राई रख दे, अर्थात सरसों का दाने के टाइप होती है राई का बीज, तो वहां रखते ही नीचे आए, यानी इतनी सेकंड, इतनी देर, सेकंड का भी कुछ हिस्सा। उन्होंने कहा कि हम इतनी देर तो रोक सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसको नहीं रोक सकते। सुखदेव ने कहा कि तुम इतनी देर ही रोक दो। उसी समय वो बाहर आया, उसको चेतना बनी रही और भक्ति में लग गया। तो कहते हैं सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, असा तृष्णा सबको व्याप कोई मेर ना सुनना हो। ये जंगम शेख सेवड़े योगी, अब जैसे योग साधना करते हैं योगी, वैसे तो योग का अर्थ होता है परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न, उसको योग कहो भक्ति कहो, लेकिन हमने योग एक ऐसा रूटीन बन गया कि जो शारीरिक क्रियाओं के लिए हम क्रिया करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक क्रियाएं करते हैं, योग आसन, हम उसी को योगी कहने लगे, तो वो योगी दुखी, क्योंकि योग करने से, योगासन करना पाप नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल योग करने से मोक्ष नहीं, क्योंकि वो तो शारीरिक स्वास्थ्य में सहयोगी है, लेकिन मोक्ष तो नाम से होगा, भक्ति के करने से होगा। फिर कहते हैं तपस्वी को दुख दूना हो, अब तपस्वी पहले तो अपने शरीर को फूक है, शरीर को पीड़ा देकर तप करता है, फिर अगले जन्म वो राजा बन जाता है, राजा को चैन दिन रात नहीं होती, केवल घूटी शूटी लाकर अपना टाइम पास कर लेता है, माया मुया ने जोड़े जागा, उसने भी लूट लो और यहां कोठी बना दो, ये कितने राजा हो कमर के जा किसी के पास चोरने साथ गई होता है, और आज देख लो कितना उसका कितना नामो निशान हो, तो ये स्थान न तो संग्रह करके धरने का, और ये भूल जाओ कि आप मान ले किसी का लूट खसोट करके धन जोड़ कर धर गए, और एक ऐसी निकम्मा बेटा पैदा हो जाएगा, उसने आते ही खराब कर देगा कि तब शराब पीवेगा, कहीं राजनीति में हो जाएगा, वहां बर्बाद कर डालेगा,
बठा बठा देगा। वो जो पाप करे थे वो तो आपके साथ गए, संपत्ति दे के गए थे वो बच्चे ने साफ कर दी, और संपत्ति साथ गई नहीं लेकिन वो पाप साथ चले गए, और साथ में जो भक्ति ना की वो मनुष्य जीवन व्यर्थ किया, वो हानि आपके साथ गई। अब कहते हैं सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। पर हम जैसे पवित्र हिंदू धर्म जन्म होने के कारण हम ब्रह्मा विष्णु में इसको सुप्रीम पावर माना थी, यानी बहुत बड़ी शक्ति, समर्थ शक्ति, पूर्ण परमात्मा, सबके रचने वाले, इन्हीं को मानते थे। अब परमात्मा कहते हैं ये भी दुखी, विष्णु जी का इतिहास पढ़ लो विष्णु पुराण में, नारद जी ने श्राप दे दिया, फिर देवताओं की लड़ाई होगी, विष्णु जी भी लठम लट्ठा खूब लड़ाई करी, खुद कहता है विष्णु जी, जैसे आपने विष्णु पुराण में दुर्गा पुराण में पढ़ा था कि या तो मैं तप करने पर लगा रहता हूं, फिर बाद में राक्षसों के साथ लड़ता रहता हूं, कुछ समय मिलता है तो रुक्मिणी के साथ सुख का समय व्यतीत कर पाता हूं। आप पर स्वीकार करें हम तो महा दुखी। फिर नारद जी के श्राप से श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी आए, एक दिन भी जब सुख का गया हो तो उसका बचपन में वनवास हुआ, पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद सीता का अपहरण हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ, सीता जी को वापस ले आए, आते सीता जी घर से काट दी, बेटा बेटा संतान कहीं है, पत्नी कहीं है और आप कहीं है, वो व्यक्ति से सारी पृथ्वी का राजा, उसको सुख कति नहीं। तो परमात्मा कहते सच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही तो झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो, क्योंकि ये संसार ये काल का जो काल की जो व्यवस्था है ब्रह्मा विष्णु महेश ही चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं कि उत्पत्ति स्थिति और संहार ये काल के जुगाड़ को जोड़े बैठे हैं, और इनका पिता काल है, वो इन 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करता है। पुण्यात्माओं, जैसा कल आपको बताया था, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरही। आप बिचली पीढ़ी के हंस हो। हंस किसे कहते हैं? वो पुण्यात्मा, जैसे हंस एक पक्षी होता है, वो पक्षी बुगले जैसा होता है, एक जैसा कलर, एक जैसी हाइट, सेम टू सेम, उनकी पहचान यही होती है, एक ही तालाब पर बुगला भी हो और वो क्या नाम है हंस भी हो, तो बुगला तो खाएगा मच्छी या कीड़े मकोड़े घोगे व संखले से, लेकिन हंस नहीं खाएगा, हंस तो वहां मोती की तलाश करेगा, मोती खाएगा। हंस पक्षी में एक और गुण दिया प्रभु ने, आप 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी मिक्स करके किसी पात्र में हंस के सामने रख दो, हंस उसमें चोंच डालेगा और दूध दूध को पी लेगा, पानी को वहीं छोड़ देगा, जल को छोड़ देगा, वहीं निकाल देता है। दूध और पानी को भिन्न भिन्न करना, दूध पानी छानने की का गुण है। ऐसे ही वो हंस, वो भक्त आत्मा जो परमात्मा के चरणों में आ गई और सत भक्ति कर रहे हैं, उनको हंस कहा है। आपने दूध और पानी छान लिया कि अभी परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, और यहां सुख नाम की चीज नहीं, और परमात्मा की भक्ति कैसे होगी, बुराई त्यागनी पड़ेगी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी जारी ये सब त्यागनी पड़ेगी, और फिर आप भक्ति करोगे। तो ऐसे जब आप हंस बन जाओगे, उनको कहा है, तो ये बीचली पीढ़ी के आप हंस बनाए हैं, इस दास ने परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, और आपको ज्ञान के द्वारा अंदर से मांझ धोकर साफ किया है, आपको हंस बनाया है। अब आप हंस, इस पिछली पीढ़ी में जितने भी हंस होंगे, हंस माने सत्य भक्ति के साधक और सब बुराइयों से दूर पूरी मर्यादा में रहने वाले को हंस कहते हैं।
नहीं तो ये और रह जाएंगे कांकर पत्थर पत्थर हैं, बुगले हैं जो भक्ति नहीं करते, मांस मिट्टी शराब माया जोड़न में लगे रहे, वो तो बुगले समझो, वो भी मानव शरीर है, लेकिन हंस वो होते हैं जो सब राइट आकर सत भक्ति करते हैं। और आपने दूध और पानी छान लिया, आप दूध और पानी छानने के लिए आपके अंदर एक गुण दे दिया, जिस दास परमात्मा कबीरदास साहिब के द्वारा दिया हुआ है तत्व ज्ञान, इसके द्वारा आपने दूध और पानी छान लिया कि भाई यदि ब्रह्मा विष्णु जी की पूजा करेंगे विष्णु लोक में जाएंगे, और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे वापस आएंगे 84 लाख योनियों में भी भटकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान देवता हैं, ये पूर्ण मोक्ष पूर्ण मुक्त नहीं है, अजर अमर नहीं है। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं, जो इनका पिता ज्योति निरंजन काल है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, वो भी उसकी भी मृत्यु होती है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है और ये भी नाशवान है। इसलिए 15वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और वो तो कोई और है, वो ऊपर वाले दोनों से अन्य है। यदि हम ब्रह्म साधना करते हैं वेदों में उसका ओम मंत्र है, तो ओम मंत्र का जाप भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ओ गीताजी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है, ब्रह्म ने माने सचिदानंद घन परम अर्थात पूर्ण परमात्मा के स्मरण का भक्ति करने का ए ओम तत् सत ये एक मंत्र है, यही इसी का निर्देश है, और इसको सुमरण करने की तीन प्रकार की विधि है जो ये दास बताएगा। तत्सत ये सांकेतिक शब्द है, ओम तत्सत ये कोई मंत्र नहीं है, ओम तो ब्रह्म का है, तत् और सत्य सांकेतिक है जो दास बताए। तो ये तीनों मंत्र मिल जाएंगे और मर्यादा में रहोगे, तीनों मंत्र मिल गए नाम टूटिया खंड, आप नहीं जा सकते 7 जन्म भी। तो इस प्रकार मर्यादा में रहना आखिरी सांस तक, और तीसरा नाम भी मिल गया, ये मत समझना तुम पारोगे नहीं, उसके बाद अधिक रुचि हो, अत्यधिक आप यहां परमात्मा के चरणों में आए, भक्ति करें, मर्यादा को ना अपने ज्ञान से नाम को खंड ना होने दें, तब आप पार हो गए।